we're back. Hi, welcome to a huge stationery haul. I've done so many before, so if you've been missing stationery hauls, subscribe to the channel. I'll make a playlist of the best stationery hauls so you can binge watch those. But today I picked only pink stationery when I went to London ki kuch to naya dekhne mile. So let's begin. The first thing is this very cute bunny pouch. I literally wish ki you could come and feel this because it itna zyada soft hai. And the spacing is huge because you can actually fit your makeup brushes as well in this. Andar se pink line hai and I just really like the quality and how cute the animal face is. Stationery mein I love multi-purpose things because uski use karne ki limits are endless. Prices na mujhe exactly yaad nahi hai lekin same things main link to kar dungi. Stationery mein notebooks are the most universal item jo hamesha milti hai. So this is the one I found jiska base pastel pink aur upar cute flowers hai. Andar se na pages ruled hai and line spacing bhi काफी ज्यादा है. टेक्सचर्ड है इसका कवर, सो दैट्स वेरी नाइस टू टच. सॉफ्ट मैट फिनिश है. इफ यू स्टिल लाइक मी ओल्ड स्कूल जिनको नोट्स बनाना पसंद है, देन यू कैन कीप दिस लाइक इजी टू कैरी इन योर हैंडबैग आल्सो. दिस वन टेक्निकली टेक में आता है, स्टेशनरी में 100% नहीं आता है, बट यू हैव टू सी दिस. दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज. हर बार जब बैटरी चेंज करते हैं तो ई वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है एंड सेकेंडली इट्स एक्सपेंसिव टू. सो आई गॉट टू पैक्स. आई थिंक 500 का ईच पैक था, विच आई नो इज अ लॉट, बट जस्ट इमेजिन अगर आप इसको 50 बार भी यूज कर लोगे, यू आर इजिली रिकवर दिस एंटायर कॉस्ट. एक पैकेट में दो बैटरीज एंड उसका केबल आता है एंड बैटरी के ना साइड पे चार्जिंग पोर्ट है. लेट मी शो यू. बैटरी के साइड पे यहाँ पे पोर्ट है एंड यू नो हाउ गुड द केबल इज. लिटरली एट अ टाइम आप दोनों बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हो बिकॉज इट हैज टू आउटपुट्स. नॉर्मल अपना एंड्रॉइड वाला चार्जिंग केबल ये, बट जस्ट हाउ नाइस इज दिस. ये फ्लाइंग टाइगर से, इफ यू गेट टू विजिट लंडन और एनी कंट्री विच हैज फ्लाइंग टाइगर, यू कैन नॉट कम बैक उस स्टोर में जाए बिना. अच्छा, इस वीडियो में ना थोड़ी सी मिलावट भी है क्योंकि अगर किसी चीज में थोड़ा सा भी पिंक था ना तो भी मैंने ले लिया बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स. सो दिस इज अ पैक ऑफ 16 फेल्ट टिप पेन्स. स्केच पेन से थोड़ी डिफरेंट होती है, पतली पतली सी निब होती है एंड देयर जस्ट वेरी स्मूथ टू राइट, मेक नोट्स, ग्रीटिंग कार्ड एंड जस्ट जर्नलिंग एज वेल. ऑफ कोर्स लाइक एवरी स्टेशनरी वीडियो रैंडम चीजें भी होंगी, तो ये पिंक पिगी बैंक लेके आई हूँ बिकॉज इवन दो आई एम अबाउट टू बी 25 आई स्टिल यूज अ पिगी बैंक एंड आई लाइक इट. ये इतना एस्थेटिक भी है, टेबल पे रहेगा, एज अ होम डेकोर पीस भी बहुत अच्छा लगेगा. तो यहाँ से यू कैन रिमूव व्हाटएवर मनी यू स्टोर्ड एंड दिस इज वेयर यू पुट इट इन फ्रॉम. ये 500 रुपीज का था एंड इट्स टू क्यूट, टू इन वन एंड अ होम डेकोर एंड यूटिलिटेरियन भी. ये छोटी सी पेंसिल विच हैज सच अ क्यूट एनिमल हेड टू इट, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी. 100 रुपए की थी एंड लाइक अगर मैं कन्वर्जन वाले मोड में होती तो मैं शायद नहीं लेती. बाहर जाके ना कन्वर्ट करते तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए मैंने ना कन्वर्ट करना छोड़ दिया था. बट यार इट्स वेरी क्यूट. देन आई हैव अ पैक ऑफ स्टिकर्स जिसमें आधे ही पिंक है आधे नहीं है, आई नो, लेकिन दिस लिटिल ईस्टर एग एंड दिस चिकन फेस, दे वर टू क्यूट टू लीव देम बैक. एक्चुअली तो जो ईस्टर फेस्टिवल होता है ना उधर, उस पर एग डेकोरेशन के लिए था ये, बट स्टिकर्स कैन नॉट बी फॉर वन पर्पज, सो इसलिए मैं ये लेके आ गई. अनदर पैक ऑफ मार्कर्स एंड ये तो प्रॉपर पिंक कैटेगरी में बिकॉज देर आर लाइक 3 डिफरेंट शेड्स. बेस्ट पार्ट इज दीज आर ट्विन मार्कर्स, एक साइड से पतली निब एंड एक साइड से हाइलाइटर टाइप निब है. ऑल्दो दीज आर नॉट हाइलाइटर्स बट दे जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ अ टिप डूडलिंग के लिए एंड इफ यू लाइक मेकिंग लिटिल स्केचेस मार्कर्स के साथ देन यू विल एंजॉय यूजिंग दीज. देन देयर इज दिस रेनबो नोटबुक जिसके ऊपर फेस भी है. सो मेजोरिटी कलर्स इसमें पिंक एंड पर्पल है एंड यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक अंदर से, द एग्जैक्ट सेम पेपर. आई नो कितनी ज्यादा अडोरेबल है. Oh, this thing. अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, so let's bring in some pancakes. लग रहा है एकदम रियल, like can you believe it? Mainly why these should be allowed as challenges क्योंकि इसके टॉपिंग्स में पिंक सिरप है. And I know you must be thinking कि क्या ये paperweight? Paperweight नहीं है, this is actually a storage box. So if you want to use it for stationery, इसमें पेपर क्लिप्स वगैरह लग सकते हैं और यू कैन एक्चुअली ऑल्सो कीप ज्वेलरी इन दिस. काफी ज्यादा जगह है इसमें एंड अगेन एज अ डेकोर पीस मेरे जैसे स्वीट टूथ लोगों के लिए थोड़ा हानिकारक है बिकॉज ये देख के फिर पैनकेक्स खाने की बहुत ज्यादा इच्छा करेगी. और देन आई बॉट सम फैब्रिक पेंट्स ताकि हम रीवैम्प और रिसाइकल कर सके चीजों को बिकॉज आजकल मुझे DIY करने का शौक बहुत ज्यादा है एंड ऊपर ही मुझे पिंक्स एंड रेड्स एंड वो ही कैटेगरी के कलर्स दिख रहे थे. सो गॉट देम ओवर. देन वी हैव सम ब्रश पेन्स एंड इट्स जस्ट सो रिलैक्सिंग ब्रश पेन के साथ ऐसे ही आर्ट बनाने में बिकॉज इट फ्लोज, इट लिटरली फ्लोज. तो अगर दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं ना, ट्रस्ट मी जस्ट ट्राई just buy one single brush pen and just sit and just random drawings you can make or just like squiggly lines and you will feel 1000% better. Trust me, it's therapy approved. Then I bought something solely for this challenge. It's this pink glitter glue. Itna bright color ka glue मैं तो स्कूल टाइम के बाद देखी बिकॉज याद है वो एक
पतली से ट्यूब में अलग अलग कलर के फ्रूट फ्लेवर्ड ग्लूज आते थे, तब मैंने लास्ट देखा था, बट इसकी क्वांटिटी इज क्वाइट नाइस एंड इट्स जस्ट रियली प्रिटी यार। ऐसा इरिडेसेंट जो स्पार्कल्स है ना इसके अंदर, वो बहुत क्यूट थे। देन आई बॉट ओवर सम बीड्स, दीज आर ग्लास बीड्स, आई डोंट नो कि अपने यहाँ मिल जाती है बहुत आसानी से, आई एम प्रिटी श्योर अपने यहाँ और सस्ती मिलती है, लेकिन बिकॉज दिस वॉज एंटायरली पिंक I was like, okay, we got to do it. And will you believe I also got chote chote earring ke and rings ke bases layu. And we'll actually make some jewelry and see how that goes. Phir na ek random ye tha mystery box tha and that was only for 300 rupees. And usme likha tha ki usme 800 1000 rupees ka saman hai. So I was like, we got to try it. And mystery box mein itni sari fun cheeze thi. Like chashme the and door knob tha and party decorations tha and kya kya nahi tha. Like it really took me by surprise. And ek hi cheeze mujhe पसंद है कि चश्मे नंबर वाले थे, वो भी स्पेसिफिक नंबर वाले थे, प्लस 2 नंबर के, वो मिस्ट्री बॉक्स में आई थिंक डालना गलत है, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज चश्मा, नॉट एवरीबडी हैज द सेम पावर ना, लाइक मुझे भी वो काम में नहीं आ रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सरप्राइज एलिमेंट बहुत मस्त था, सो अगर वो चीजें नहीं हो देन इट्स वर्थ गिफ्टिंग और गेटिंग इट फॉर योरसेल्फ। फिर आई गॉट दिस क्यूट लिटिल ग्लिटर टेप एंड टेक्निकली चैलेंज में तो सिर्फ बीच वाली ठीक रहेगी, बट इसमें फिलिग्री का काम है, सो ऑन पेपर दिस शुड लुक फैबुलस। ओ देन आई ऑल्सो बॉट अ टाई एंड डाई T-shirt kit. I like tie and dye, but I want to experience the process myself. इसलिए मैंने pink color theme वाला लाया है, warm colors वाला, and ये सब kits पे ना मैं एक-एक reel बनाऊंगी या एक-एक YouTube shorts बनाऊंगी. So subscribe करना मत भूलना and comment down below कौन सी kit हमें पहले करनी चाहिए. Next up we have a mini sewing machine. Let's see. मैंने भी नहीं देखा अभी तक कि ये कैसी है. As like बेस्ट चीज है तो साथ में ही खोलनी होगी. ओह, इट लुक्स लाइक अ स्टेपलर. मुझे लगता है कि आसानी से अपने यहाँ भी मिलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन ये पिंक कलर में काफी क्यूट लग रहा है एंड जस्ट लुक एट द पाउच, इट्स इट्सी बिट्सी टीनी वीनी मिनी सोइंग मशीन। इसमें ना थोड़े से पार्ट्स भी आए हैं जो मुझे मैनुअल वगैरह पढ़ के देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट, बट है तो ये काफी क्यूट एंड काफी यूजफुल फॉर लास्ट मिनट फैशन फोपास। ओके देन बिकॉज इसका डब्बा स्लाइटली पेस्टल पिंक था, आई ऑल्सो बॉट अ क्रॉस स्टिचिंग किट। बचपन में मम्मी ने मुझे बहुत कराया क्रॉस स्टिचिंग एंड आई यूज टू लव डूइंग इट, वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट। लास्टली आई बॉट 2 होम डेकोर आइटम्स। फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल मिरर, इट सेज टेक इट इजी एंड व्हाई लाइक इट इज कि इसका मिरर का शेप ही फ्लोरल है, तो मुझे ऐसा अतरंगी शेप एसिमेट्रिकल होम डेकोर आइटम्स बहुत अच्छी लगता है एंड दैट इज व्हाई आई लव्ड इट एंड ऑफ कोर्स इज अ पिंक फ्लावर बीच में। एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज दिस ह्यूज बटरफ्लाई शेल्फ विच आई बॉट फ्रॉम प्राइमार्क। सो इसमें अगर छोटा छोटे से प्लांट्स रख दे या इवन इफ यू कीप सम मेकअप फॉर अ मेकअप रील इन दिस, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस आई थॉट इज वेरी डिफरेंट, जूट से बना है पूरा एंड इट्स एक्चुअली फ्रॉम द किड सेक्शन। सो दिस इज माई टिप टू यू, किड सेक्शन में जाना मत भूलना बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैव नो एज लिमिट, बट जस्ट बिकॉज दे आर क्यूट एंड कलरफुल वो किड सेक्शन में डाल देते हैं। सो फॉर एनीथिंग लाइक मी, यू लाइक फन स्टफ, then you have to visit बच्चों का all the aisles also, but this was for 800 rupees and इसको मैं बहुत ज्यादा use करूंगी, this is definitely going to be more than a great investment. Yeah, but this was a huge pink stationery haul. Comment and tell me what do you want to see next. And video देखने में मजा आया then thumbs up तो दे दो यार. And मजा नहीं आया तो बिंदास थम्स डाउन. I'll see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.